যে তোমার, শুধু যে তোমার। দেখি ভাই, পিনে মে রম, চিপকানে মে গম আর কন্টেন্ট মে দম, না হো তো পাবলিক ইহি বলতি হে মজা নেই আ রাহা হে। खैर, कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आ गया है। जी हाँ, लेकिन इस बार अपने अक्षय पाजी इस फिल्म से वैसे ही गायब हो गए हैं जैसे बुढ़ापे में सिर से बाल। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब साफ है अंकल कि उनके पास वैसे ही दर्जनों से फिल्में पड़ी हुई हैं और ऊपर से रिमेक के बारे में तो पूछिए ही मत। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट क्या कहूंगा, यूं कहिए कि रीमेक। जी हाँ, एक नया रीमेक स्टार्ट किया है। अब तो पब्लिक भी इनकी फिल्म के बारे में सुनकर बोलती है, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। खैर, हम यहाँ अक्षय कुमार के नहीं बल्कि भूल भुलैया 2 की बात करने आए हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सॉरी, नाराज काहे होते हुए? देखिए भाई, मैं इस फिल्म को देखने जाऊंगा लेकिन सिर्फ राजपाल यादव का फैन होने के नाते। आमी जे तुमा, सुदी जे तुमा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा। देखिए उस फिल्म में राजपाल यादव, कार्तिक आर्यन, तबू और संजय मिश्रा को देखकर अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आई जो कि मैंने एक्सपेक्ट की थी। मेरे को ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर मैं खुलकर चीख सकूं या फिर तालियां बजा सकूं। आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, तो हमें कमेंट में अपना ओपिनियन आप जरूर बताइए कि ट्रेलर लगा है आपको कूल या फिर छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया बे। और भाई साहब, जब कार्तिक आर्यन और कियारा का किसिंग सीन आया तो बेचारे कुंवरों ने भी कहा, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देखिए भाई, ये तो था ट्रेलर जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए ये तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा। वैसे इस ट्रेलर में मुझे कुछ सीन्स भूल भुलैया पार्ट 1 के कॉपी पेस्ट लगे।